गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं और इसके उदाहरण। तो सबसे पहले संज्ञा, वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध कराते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के उदाहरण हैं रमेश, रिया, कुर्सी, चम्मच, मुंबई, अहमदाबाद, रोना, हंसना आदि। क्या होंगे संज्ञा? जो भी चीज़ें हम अपने आँखों के सामने देखते हैं वे सभी क्या होती है? संज्ञा। जैसे कि हमारा रमेश, रिया, कुर्सी, चम्मच, मुंबई, अहमदाबाद, रोना, हंसना आदि, ये सभी क्या हैं? संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। केवल एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जानकारी देने के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ का जो हम नाम लेते हैं वो सभी क्या होती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी, नरेंद्र मोदी जी, चम्मच, पुणे, बिल्ली, ये सभी क्या है? किसी एक व्यक्ति के नाम। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। इसके उदाहरण है पुस्तकें, बच्चे, गायें, ये सभी क्या? हमारी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात हमारी जो भावनाएं बताती है वे सभी क्या होती है? हमारी भाववाचक संज्ञा। जैसे कि हंसना, रोना, घबराना, डरना, गुस्सा, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये सभी क्या? हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब हमारा भाववाचक संज्ञा में हम परिवर्तन कैसे करते हैं? जैसे हमारा बच्चा से क्या बनेगा? बचपन। ममता से क्या बनेगा? ममताओ। बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। अच्छा से क्या बन जाएगा? हमारी अच्छाई। ये सब हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।